देखिए, ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था। उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। जूते मारो, लोग उनको जूते मारेंगे। ऐसी दिमाग में जिनके गंदगी भरी है कि जो आदमी मंत्री बोलता है महाराष्ट्र का कि पुतला गिर गया, अच्छा हो गया, ये अच्छे के लिए हुआ है, ऐसी व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करती है। महाराष्ट्र के मालवन शहर में सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने टिप्पणी की थी। देखिए, ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था। उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, जो हो गया है उसका मुझे ऐसे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे जो अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बन रहा था वो उसी तरह का, मतलब बहुत ही ऊंचा स्टैचू अगर यहाँ बनता है तो एक पूरे इंडिया में एक आकर्षण रहेगा, बहुत सारे पर्यटक मालवण में आते हैं। तो बहुत जल्दी न करते हुए इसके बारे में सोचा जाए और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसी तरह से इसका निर्माण और इस क्षेत्र का विकास हो तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ ये बहुत बड़ी आदरांजलि और नमन होगा। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की टिप्पणी के बाद शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा, दीपक केसरकर को जूतों से पीटना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने में कुछ अच्छाई है। जूते मारो, लोग उनको जूते मारेंगे। ऐसी दिमाग में जिनके गंदगी भरी है कि जो आदमी मंत्री बोलता है महाराष्ट्र का कि पुतला गिर गया, अच्छा हो गया, ये अच्छे के लिए हुआ है, ऐसी व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करती है। एकनाथ शिंदे की गैंग, हाँ, जिसको बनाया फडणवीस ने, ये गैंग, और फडणवीस बोलते हैं, फडणवीस उनकी वाहवा कर रहे हैं। ऐसे लोग मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट में है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना स्टैचू गिरने के बाद बोलते अच्छा हुआ, जूते मारने चाहिए उसको देवेंद्र फडणवीस ने। अगर वो सच्चे शिवभक्त है तो एक केसरकर को मंत्रालय के सामने जूते मारो। इससे पहले 27 अगस्त को दीपक केसरकर ने कहा था कि एक दुर्घटना है, ये मूर्ति नौसेना द्वारा बनाई गई थी, ये नौसेना दिवस था, प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले थे, इसलिए उस समय ये तेजी से किया गया और सभी ने इसकी प्रशंसा की। मुझे लगता है कि ये एक अवसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति अरब सागर में बनाई जा रही थी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।